अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हर तरफ जो है खैरियत होगी। तो आज हम अपना नया ब्लॉग शुरू करते हैं। ये ब्लॉग काफ़ी अर्से के बाद आ रहा है, असल कुछ मसरूफियत ऐसी थी जिसकी वजह से जो है हम ब्लॉगिंग कर नहीं सके थे। तो इंशाल्लाह ताला अब हम जो है कंटिन्यूसली ब्लॉग्स बनाएंगे। तो अभी जो है आज जुमे का दिन है, तो अभी हम ज़रा तैयारी शारी करके जुमे के निकले हैं। सबसे पहले तो गाड़ी का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, अभी जाएंगे इसको सर्विस करवाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं कि इसका हाल क्या हुआ हुआ है। असल में ये तकरीबन आज 8-10 दिन बाद निकाली है, टाइम नहीं था। तो उसके बाद कुछ गाड़ी की एसेसरी वगैरह लेनी है, वो ख़रीदने के लिए हम जाएंगे, आपको साथ विज़िट करवाएंगे। बादामी बाग की एक ऑटो मार्केट है लाहौर में, काफ़ी मशहूर है, वो हम विज़िट करेंगे आज। देखेंगे कि उधर से सामान कैसा मिलता है, सस्ता मिलता है नहीं मिलता है, क्वालिटी कैसी है। तो अभी हम जो है सबसे पहले जाके गाड़ी वॉश करवाते हैं, उसके बाद लेते हैं फ्यूल और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना जर्नी का आगाज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई जो है वीडियोस उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब आपसे मिलते हैं हम सर्विस स्टेशन पर, जो कि आ गया हुआ है। अभी हम आए हैं सर्विस स्टेशन पर, तो गाड़ी का कुछ ये हाल हुआ हुआ है, ये तकरीबन 10-12 दिन से खड़ी हुई थी। अभी हम इसको यहाँ पर करवाएँगे वॉश, उसके बाद लेंगे फ्यूल और फिर इंशाल्लाह ताला हमने इसकी एसेसरीज लेनी है जुम्मे नमाज पढ़ के, तो वो लेने के लिए जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला अभी हम इसकी एसेसरीज का काम कंप्लीट करेंगे, इसका जो बॉडी किट्स का पेंट वाला काम है वो हम बिल्कुल एंड पे करेंगे और उसका ब्लॉग भी हम आपसे शेयर करेंगे। ये जी गाड़ी दिलवाने के 5 मिनट बाद के मनाजिर हैं, तो हम बस फ्यूल लेके इंशाल्लाह ताला अभी नमाज में तकरीबन 1.5 घंटा है, तो फिर आगे निकलते हैं और फिर देखते हैं। ये जी आ गए हैं बादामी बाग मार्केट, ये हम इधर एंटर होने लगे हैं। और इधर जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मरहला है वो है इधर कहीं पे गाड़ी की पार्किंग ढूंढना, जो कि खासा मुश्किल काम है। तो
वैसे बेहतर तो यही है कि बाहर की गाड़ी पार्क कर दी जाए, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। अब शायद की बात है कहीं पे पार्किंग मिल जाए। फिलहाल तो कहीं दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे जहाँ पे गाड़ी लगा दी जाए। अल्लाह करे कि कोई गाड़ी लगाने की जगह मिल जाए मुनासिब, ना मिली तो फिर वापस आना पड़ेगा बाहर के देखेंगे। हमारे आगे एक भाई साहब लग गए रेडी वाले। ये हमारे दोनों तरफ जो है ये मार्केट है, इधर भी जो है ये स्पेयर पार्ट की मार्केट है और इधर भी, इधर जो है ये ट्रैक्टर वगैरह का सामान भी मिलता है और ये ट्रक वगैरह की एक्सेसरीज भी मिलती हैं और उसके अलावा गाड़ी की एक्सेसरीज भी इधर मिलती हैं। देखते हैं इधर कहीं पे अल्लाह करे गाड़ी मिल जाए पार्किंग। ये जगह तो है पर इधर प्रॉपर पार्किंग नहीं है। हमने एक बैंक के बाहर लगा दिया, अब देखते क्या बनता है। पार्किंग तो नहीं थी, हमने एक बैंक के बाहर लगा दिया और यहाँ पे हमने अपना स्क्रीन पे नंबर भी दे दिया ताकि अगर किसी ने कोई रब्ता करना हो तो कर ले, गाड़ी हटानी हो तो। आज आपको अब दिखाते हैं इधर से मार्केट, ये मार्केट है। ये सबसे सारी मार्केट है, इधर भी मार्केट है और मेन मार्केट यहाँ पर है। यहाँ से अंदर जाके तो गाड़ियों की एक्सेसरीज का सामान मिलता है, तो हमें जो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए हम अभी देखते हैं। इधर सारी मार्केट तो नहीं कवर हो सकती लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि कहाँ से क्या मिलेगा। एक दिन पहले मैंने विज़िट किया तो वो हम वैसे कर लेंगे। यहाँ से देखिए ऐसे हॉर्न मिल जाते हैं, खुले भी मिल जाते हैं, काबले भी मिल जाते हैं, नए भी मिल जाते हैं, वारंटी वाले भी मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कारपेट क्लीनर है कोई मिल जाए दिखाएं। कितने में है? कितने में ब्रदर? 240। और बड़ा कितने में? 290। ये वाला दे दे, यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं गाड़ी की, स्पेयर पार्ट्स और हेलमेट खास तौर पर एक्सेसरीज की मिलती हैं लेकिन वो काम मिलती हैं, लाइट्स की मिल जाती है, बाइक एक्सेसरीज की मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाइक को गाड़ी के एग्जॉस्ट का भी कहा हुआ था, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल बनाना था, अभी चलते हैं उनके पास भी, पहले वो एग्जॉस्ट ले लेते हैं। उनको मैं 2-3 दिन पहले ऑर्डर दे के गया था तो उसके बाद हमने जो बाकी चीज़ें लेनी हम वो लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आगे उनकी शॉप है, उनको मैंने कहा था, वो कह रहे थे कि 2-3 दिन तक अपना एग्जॉस्ट आए और आके पानी 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 पानी।
ये शॉप है और मुझे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अहमद भाई? खैरियत से? आपको मैं दो तीन दिन पहले एक एग्जॉस्ट का क्या किया था, वो ले आए। तो ये जो है ऐसे एग्जॉस्ट बनाते हैं, तो इनको हमने कहा था, इन्होंने हमारा एग्जॉस्ट एक बनाया, तैयार किया, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये लार्ज साइज में है, इसके इस साइड पे ये अंदर इसकी विसल है, ये रिमूव कर देंगे तो इसका साउंड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम लगाना है, कोई तजर्बा नहीं है, तो अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये यहाँ से जो है सारे ट्रकों की सर्विस मिलती है, यहाँ पे मार्केट का एंड हो जाता है, यहाँ पे भी सारा ट्रकों का सामान नहीं है, तो इधर से भी मार्केट के अंदर रास्ता है जहाँ मैंने जाना है, लेकिन हम फ्रंट से जाएँगे, आपको वहाँ से दिखाते हैं कि इधर से क्या क्या मिलता है। गाड़ियों के हर तरह के पार्ट्स मिल जाते हैं, जैक मिल जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से मिलती है, ब्रेक शू, शील्ड्स, उसके बाद फिल्टर्स, क्लच प्लेट्स, जो भी चीज़ है ना हर चीज़ यहाँ से मिलती है, और आई थिंक सो कि मुनासिब पैसों में भी मिल जाती है। तो असल में ये होलसेल मार्केट, तो हम सारी मार्केट तो नहीं विजिट कर सकेंगे, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने लेनी है, एक्सेसरीज जो जो लेनी है, हम वहाँ जाएँगे और वो चीज़ें लेंगे। यहाँ पे अंदर भी एक्सेसरीज की शॉप्स हैं, और यहाँ पे भी ऊपर भी और नीचे भी एक्सेसरीज की शॉप्स हैं, वो आगे आ जाएंगे अभी। ये देख रहे हैं, यहाँ से मैंने एक दो चीज़ें लेनी है, मैं वो ले लूँ। ये तो एक्सेसरीज की है शॉप से, ये देखिए यहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये करोला 13 मॉडल के सिलिकॉन वाइपर दे दें। सिलिकॉन वाइपर करोला 13 के? जी। नरम वाले जो होते हैं? जी। हार्ड कितने में? नरम 400 रुपये, हार्ड वाला 400 रुपये का सेट। दिखाया कौन सा? जी सर 140। और इसके अलावा कौन से हैं? सिलिकॉन में भी हैं? सिलिकॉन में वो 10 मॉडल से नहीं, 10 मॉडल तक ही। चलिए थैंक यू। एक और शॉप है वहाँ से देख लेते हैं अभी। ये करोला का डिग्गी का 13 मॉडल का मोनोग्राम दे दें। करोला का 13 मॉडल करोला का डिग्गी का मोनोग्राम दे टोटा वाला। इधर सारे मिरर्स भी मिल जाएंगे, लाइट्स हर तरह की मिल जाएगी, इधर से गाड़ी से रिलेवेंट हर चीज़ ही मिल जाती है। तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ से हमें चीज़ें लेनी है। इधर एक शॉप है, वहाँ से हम ले लेने हैं गाड़ी के मैट, एक लेना है स्पॉयलर। गाड़ी के मैट वाली दुकान ही गुम गई है हमारी, तो वो ढूंढनी पड़ेगी, स्पॉयलर वाली भी ढूंढनी पड़ेगी। ये मैट्स, अस्सलाम वालेकुम, करोला के 5G मैट्स 79 नंबर उनके पास। अस्सलाम वालेकुम,
क्रोला के मैट से थे 5 के मॉडल 13। तो ये जी इसके हमने 5G मैट है जो मिली हैं, ये असल में फ़िलहाल हमने बेच कर भी ले लिए हैं। अभी हमारा जो है गाड़ी के इंटीरियर को कलर को बदलने का इरादा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह ताला इंटीरियर ब्लैक करेंगे, तो फिर इसके लिए ब्लैक कलर के लिए लेंगे। वक्ती तौर पे हमें जो ज़रूरत थी वही नहीं की थी, तो ये हमने जो है 5G मैट्स जो हैं वो बेच कर में ले लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी इंस्टॉल करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्रोला का रूफ वाला चाहिए 10 मॉडल का, रूफ वाला? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो होता है ना जो बैक स्क्रीन पे ऊपर लगता है, अच्छा लगता है, वो मिल जाएगा, वो देते हैं क्रोला 10 मॉडल। हाँ हाँ जी 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 जी। अब हम चलेंगे सामने वाली मार्केट में, वहाँ से कुछ चीज़ें लेंगे लेके तो वापसी। अभी तक हमने एग्जॉस्ट लिया इसका, ये रूफ के ऊपर एयर प्रेस लगते हैं, इसको स्पॉइलर भी कहते हैं, एयर प्रेस भी कहते हैं, वो लिया। इसके अलावा जो जो चीज़ें और ली हैं मज़ीद अभी ले ली हैं। हाथरा के इधर नट बोर्ड्स मिल जाते हैं, किसी जुमे हो अब हमने लेनी है इसके इंजन की शील्ड्स और मड गार्ड की शील्ड्स, उसके अलावा कुछ और एक्सेसरीज लेंगे और फिर हमारी वापसी है। एक तो इधर मुझे शॉप्स नहीं याद रह रही कि कौन से किधर है, गाड़ी कवर सील रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए शील्ड्स पड़ी हुई है, ये भी हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्रोला 13 मॉडल की इंजन शील्ड्स, इंजन भी और फेंडर भी का। ये देखे इधर भी ये शील्ड्स हैं, चलिए इधर ही रखे, मैं उठा लेता हूँ, ये मैं आपको पे कर देता हूँ, ठीक है ना? मैं बाकी सामान ले लूँ, मैं आपसे आके ले लेता हूँ। यहाँ से अब हम एक्सेसरीज का सामान लेंगे, ये इनके पास स्पॉइलर भी मौजूद हैं सिंपल वाले, बाकी एक्सेसरीज की काफ़ी वैरायटी मौजूद है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं और वो चीज़ें हम लेते हैं। हमने जो है ये काफ़ी सामान ले लिया है, ये भी है सारा, और अंदर इसके क्या क्या है वो अभी हम जाके अब घर में इसको खोलेंगे फिर देखेंगे। तो बस अभी यहाँ से वापसी हमारी। तो ये था आज का ब्लॉग, तो होप सो आपने मार्केट को देख के भी इंजॉय किया होगा, थोड़ी आपके लिए नॉलेजेबल भी रही होगी। तो अब मैं अपना बाकी सामान ले लूँ, वो शील्ड्स वगैरह उठानी है, तो मेरे दोनों हाथ जो है बिज़ी हो जाएंगे, तो मैं मोबाइल मशीन नहीं पकड़ सकता। तो इंशाल्लाह ताला अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बाकी जो मैंने सामान लिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स में लगाने के लिए ये LED लाइट्स लाया था, और ये जो है ये 4 साइड होती हैं,
ये देखिए, ये इसके ये 4 साइड LED लाइट्स होती हैं, इस तरह से काफ़ी ब्राइट होती हैं। बैक पे इनके फ़ैन होता है, ये 6 मंथ वारंटी में होती हैं। और ये इसके मैंने ये एक पेयर ये ख़रीदा था, और ये इसका कवर है, और एक पेयर मैंने ये ख़रीदा था, ये दो लिए था, ये लो के लिए ये हाई के लिए, दोनों हेडलाइट्स के लिए मैंने ली थी। और ये 6 मंथ वारंटी में होती है। ये इसके साथ मैनुअल है, ये इसके मैनुअल है। ये एंड पे इन्होंने वारंटी के नाम पे जी वारंटी कार्ड दिया हुआ है, ये देखें, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। वो बस जो इनका बिल था ये उसी के अंदर ही इसकी वारंटी थी, उन्होंने इसकी 6 मंथ वारंटी दी है। एक ये है और एक ये है, ये दोनों जो हैं ये हेडलाइट्स के लिए मैं ले कर आया था। क्वालिटी ये बिल्कुल ग्रिप ग्रिप इसकी फिटिंग है, क्वालिटी इसकी आप देख लें। बैक पे फ़ैन है, काफ़ी अच्छी है, चारों साइडों पे इसकी LED है, और ये ऑब्वियसली वाटरप्रूफ भी है मतलब, और ये LED है, 6 मंथ इसकी वारंटी है। तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम ले कर आए हैं आपको दिखाते हैं वो भी, इसको करते हैं एक साइड पे। इसके बाद हम लेके आए हैं जी ये C6, आम मार्केट से मिल जाती है। ये भी LED लाइट है, लेकिन ये ज़रा लो क्वालिटी की LED लाइट होती है, सस्ती मिल जाती है। इसके बैक पे भी फ़ैन होता है। ये मैंने असल में फॉग लैंप्स पे लगानी थी, क्योंकि ऊपर जो है अच्छी वाली लग जाएंगी, तो फॉग लैंप्स में मुझे जो है कोई अच्छी LED रिक्वायर्ड नहीं थी लगाने के लिए, इसलिए मैंने जो है फिर ये ख़रीद ली। ये आम मार्केट से मिल जाती हैं, बहुत ईजीली मिल जाती हैं, सस्ती हैं। और ये जो है फॉग लैंप्स से लगानी थी, मेरी गाड़ी के जो है फॉग लैंप्स वो भी ख़राब हुए हुए थे, तो वो मैंने चेंज करने थे। असल में फॉग लैंप्स तो सिर्फ जो उसके जिसके अंदर वो लाइट लगती है वो ख़राब थे, तो वो मैं ख़रीद लाया हूँ। पूरा सेट मुझे ख़रीदने की वायरिंग और हर चीज़ कवर वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैं ख़रीद के लाया हूँ। इन सब चीज़ों के प्राइसेस जो है मैं वीडियो में साथ साथ मेंशन कर दूंगा। चाइना के हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और इनके अंदर ये हैलोजन बल्ब भी है। तो ये मेरे साथ गुडलक हो गई है कि मुझे ये चीज़ ही सिर्फ चाहिए थी और मुनासिब पैसों में चाहिए थी, तो ये मुझे मिल गई है। ये इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी है कि ये राइट वाला है, ये देखें यहाँ पर ये मैंशन है इसके कि ये मेड इन चाइना है। ये देखें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये भी प्रीमियम क्वालिटी के दिखने में फील होते हैं। तो ये इसका राइट वाला है, और इसी तरह जो है ये इसका लेफ्ट वाला है, वो भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये भी बदलने वाले थे, इनके अंदर वो लगेगी C6 लाइट, और ऊपर वालों में वो जो है वो LED लाइट जो मैं दो लेके आया हूँ जिनके 6 मंथ वारंटी है। और ये जो C6 लाइट है इसकी कोई वारंटी नहीं होती, क्योंकि सस्ती ही आ जाती हैं। ये देखें ये दोनों है, ये लेकर आया था। और उसके अलावा आपको अब दिखाते हैं अगली चीज़, इसको करते हैं एक साइड पर। बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। एक कार्बोरेटर क्लीनर लाया था, ये किस पर्पज़ के लिए लाया था? ये बेसिकली ट्यूनिंग के लिए नहीं लाया था, ये किसी और पर्पज़ के लिए लाया था। और वो पर्पज़ क्या है उसका भी तकरीबन अब से तीसरा ब्लॉग जो होगा वो उस चीज़ का होगा कि कहाँ पर यूज़ होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिलिए एफिशिएंट होने वाला है यूज़ में, क्योंकि इससे मैंने कोई गाड़ी की एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है वो करनी है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा। और उसके बाद ये गाड़ी की बैक डिगी का लोगो है, सिंपल हर शॉप से एक्सेसरीज की शॉप से मिल जाता है, तो ये मुझे रिक्वायर्ड था, ये मैं लेके आया हूँ। उसके बाद ये गाड़ी साफ करने वाला टॉवल है, डबल साइडेड टॉवल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, साइज़ भी इसका मुनासिब है। ये देखें ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का होगा, दोनों साइडों पे बहुत सॉफ्ट है। ये देखें ठीक, मैं ये लेकर आया हूँ, और इसके ऊपर इधर मेंशन है जी 80% पॉलिएस्टर है और 20% पॉलीएमाइड है।
अब ये क्या चीज़ें हैं इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का उनके पास सबसे अच्छा ये वाला था तो मैं इसलिए ये लेके आया हूँ। अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। इसके अलावा ये गाड़ी के वाइपर हैं, ये चेंज होने वाले थे, ये लेके आया हूँ। ये भी कोई बहुत ख़ास नहीं है, नॉर्मल है, मतलब जो आम अच्छे मिल रहे थे ये वो वाले वाइपर हैं। ये देखें ऊपर इसके प्लास्टिक फ्रेमिंग हुई हुई है, ये एक बड़ा होता है एक छोटा होता है इस तरह से। ये वाइपर लिए थे, इसके अलावा ये एयर कंप्रेसर लिया था, बाज़ कर गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है तो उसमें हवा भरने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो इसके आगे वो जो है सिगरेट लाइटर में लगने वाली नॉब थी, चार्जर था जिससे चलता था, लेकिन मैंने इसकी तार जो है वो हीटअप हो जाती थी, मैंने इसकी जो है आगे से फिर तार की एक तो लेंथ बढ़वाई है, ये तार बदल के इसमें अच्छे वाली तार लगा के आगे इसके ये लगा दी, अब इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो गई है, इसकी चारों व्हील जो है गाड़ी के वहाँ तक एक्सेस बहुत ईजी हो गई है। और ये सिंगल कंप्रेसर वाला है, छोटे वाला है लेकिन परफेक्टली काम करता है, एक मिनट के अंदर अंदर ये टायर को बिल्कुल फिलअप कर देता है, एक से सवा मिनट में। और अब ये डायरेक्ट बैटरी में लगता है। यहाँ पे इसके जो है ये देखें किलो पास्कल में भी इसका आता है वो प्रेशर, और बार में भी इसका प्रेशर आता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये भी। ये देखिए इसके इधर ये भी मेंशन है कि क्या क्या चीज़ें हैं, वोल्टेज बताई हुई है, मैक्सिमम पेयर बताए हुए हैं, मैक्सिमम प्रेशर बताया हुआ है। और यहाँ पे इसकी ये गेज है, अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी सारा यूज़फुल प्रोडक्ट है। इसके आगे से मैंने वो मोबाइल होल्डर में मोबाइल चार्जिंग में जो लगता होता है गाड़ी में वो उतार के उसकी जगह मैंने ये लगवा ली है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा है, उसके ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो अब आपको दिखाते हैं अगली चीज़, और वो है ये पाकिस्तान का मशहूर शार्क फिन एंटीना, सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ईज़िली मिल जाता है। और ये छत पे लगाना था तो एक ये लिया, ये इसके चारों टायर जो है उनकी वो नोज़ल जो होती हैं उनके ऊपर लगाने के लिए वो है, निकाल के दिखाता हूँ ये मैं अगर पॉसिबल हुआ तो। ये देखें इसके अलावा एक स्प्लिटर है हमारे पास, ये गाड़ी के फ्रंट पे लगता है, थ्री पीसेस में आता है ये, और ये कार्बन फाइबर में है, प्लास्टिक में नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी हर चौथे दिन कहीं ना कहीं नीचे से लग जाती है तो वो फिर टूट जाता है। और ये पेंट होने वाला है, ये आता ही इस तरह से अनपेंटेड आता है, ये इसके दरमियान वाला पीस है, ये लेफ्ट वाला है, ये फ्रंट वाला है, कनाड भी कहते हैं इसको, स्प्लिटर भी कहते हैं, ये गाड़ी के फ्रंट पे लगेगा, फ्रंट बॉडी किट के नीचे। एक ये लिया था, लेकिन ये मैंने जो है मैक्लोर रोड से लिया था, ये मैंने उधर से बदामी बाग से नहीं था लिया। इसके बाद ये इसकी ये बैक लाइट होती है जो ट्रंक के ऊपर होती है, करोला 13 मॉडल को 15 मॉडल को सेम लगती है, ये एक वो लाइट है। ये देखें ये जो बैक पे लगती है ट्रंक पे, ये वो वाली लाइट है, इसको भी एक साइड पे करते हैं। इसके बाद ये इसके बम्पर की लाइट्स हैं जो इसमें लगती हैं, इसमें क्लावा लाइट्स आती हैं, एक सिंपल आती हैं ये, और एक रिफ्लेक्टर आती है, रिफ्लेक्टर नहीं है लाइट्स हैं लेकिन सिंपल वाली हैं, लावा हैं लेकिन इसके अंदर वो नहीं है, कोई पैटर्न या थीम नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर लगा देना है तो इसलिए मुझे पैटर्न या थीम चाहिए भी नहीं था। और ये थी थोड़ी सी चीज़ें जो हमने उस दिन ख़रीदी थी, जो आपको उधर मार्केट में नहीं थे हम दिखा सके। उसके अलावा ये इसके गाड़ी के जो है इंजन शील्ड्स हैं और इसके फेंडर की शील्ड्स हैं, ये ख़रीदी थी। उसके अलावा हमने ये एग्जॉस्ट ख़रीदा था फुल साइज़ का है, जिसके अंदर विसल है और बैक पे एक नट है जिससे हम इसकी आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लोकल मेड है, खुद से बनवाया है, चाइना वाला नहीं है, ये अपने ऑर्डर दे के तो ख़ुद बनवाया हुआ है,
ये वो वाला एग्जॉस्ट का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी ज़्यादा वेट का। इसी तरह ये वो 5G मैट्स है जो पहले भी वीडियो में दिखा दिए हैं, अब चूँकि सारी एक्सेसरीज़ एक जगह पे दिखा रहे थे तो इसलिए ये जो है मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, और ये जो है गाड़ी में इंस्टॉल कर लिए हुए हैं। ये आपने जी अपनी शॉपिंग वगैरह कर लिया, अब हम वापसी पे रिंग रोड की तरफ से घर जा रहे हैं, तो जो चीज़ें नहीं हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, इसी ब्लॉग में हो सका तो इसमें दिखा देंगे। तो आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।